नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 27 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के कुछ प्रश्न जो आए हैं उनको लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, रीजनिंग के प्रश्न जो आज आए हैं। मैथ के व्यास पेपर सिंपल ही आया था, GS व्यास पहले शिफ्ट में सिंपल ही आए थे। GS का इसके पहले मैंने वीडियो दे चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं आपको पहले दिखा देता हूं, आप लोग पहले से अपने खुद से ट्राई करिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक एक करके इसका जवाब देना शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, प्रश्न ये था आपसे पूछा है कि जिस प्रकार 167 को हम लोग 14 लिख सकते हैं, उसी प्रकार 143 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद जो है मैं इसको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 167 को हम लोग 14 कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 को 6 से और 6 को 7 से जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। उसी प्रकार हम लोग 1 को 4 से और 4 को 3 से जब जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 1 8 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 8 इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था कोड भाषा में था, जिस प्रकार ELIMS को S स्माइल लिखा जा सकता है, उसी प्रकार KARAPS को क्या लिखा जा सकता है। तो आप लोग देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद जाके मेरा आंसर देखिए। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ई से ई यहाँ पे हो गया है, एल को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, आई को यहाँ पे कर दिया गया है, एम को यहाँ कर दिया गया है, एस को यहाँ, मतलब कुल मिला के क्या कह गया, जो वर्ड है उसको पलट के लिख दिया गया है। देख रहे हैं ना इसमें कैसे हुआ है, इसमें जो हमारा पहले ई था इसको एक लास्ट में कर दिया, एल को दूसरे स्थान पर, दूसरा लास्ट हो गया, तो उसको इसकी शुरुआत हो रही है एस को एस से, एम को एम कर दिया गया है, आई को आई कर दिया गया है, एल को एल कर दिया गया है, ई को ई कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको चेंज करेंगे तो उसको उल्टा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर पीछे जो हमारा वर्ड है तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, स्पार्क हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें देखिएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन ए बी सी डी है इसमें कौन सा भिन्न है, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, खुद से सॉल्व करिए। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, चलिए इसको हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं। जो 16 है, 25 है और 64 है, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, जबकि 24 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, 25 का है, 5 का स्क्वायर है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है, यदि ए को 1 लिखा जा सकता है, बैट को 7 लिखा जा सकता है, उसी पर हेड को क्या लिखा जा सकता है, आप लोग बताइए। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ए को, ए का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है 1 होता है, उसी पर बी का जो होता है, बी का 2 होता है, फिर उसके बाद ए लिखा है, ए का 1 हो गया, डी का हमारा 4 हो गया, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पे 7 दिया है। तो उसी प्रकार हेड को हम लोग क्या लिखा सकता है, तो एच का हमारा होता है 8 होता है, ए का हमारा 1 होता है, टी का हमारा 20 होता है, और ई का होता है हमारा 5, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 8 कितना, 28 28 1 29, और 29 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 34 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लड़के की एक पंक्ति में शिवम का स्थान दोनों तरफ से 25 है, तो आपको बताना है कुल लड़कों की संख्या। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक पंक्ति है, उधर आगे की ओर से भी शिवम का नंबर 25 है, इधर से भी, और पीछे से भी 25 है। जब इधर से भी 25 है, इधर से भी 25 है, तो टोटल इधर 24 होंगे, इधर भी 24 होंगे, और एक शिवम खुद होगा, तो 24 24 कितना हो जाएगा, 48, 48 और एक कितना हो जाएगा हमारा, 48 प्लस एक हमारा कितना हो जाएगा, 49 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से देख लीजिए। दूसरा मेथड क्या हो गया, अच्छा इसमें 25 दिया है ना, दोनों तरफ से दिया है 25, तो आप 25 प्लस 25 कर लीजिए, इसको जोड़ दिए कितना जाएगा, 50, लेकिन इसमें शिवम को 2 बार ऐड किया गया है, तो इसमें हम लोग एक ही बार करके -1 कर देंगे, तो हमारा कितना जाएगा, 49 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां देखिए प्रश्न क्या कहा गया, देख लिया आप लोग। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द दिए गए वाक्यों से नहीं बनाया जा सकता। आपको यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, आपको इस शब्द से देखना है कि इनमें जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या देखिए कि जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा वर्ड इसमें नहीं है। तो देखिए यस जो है हमारा इसमें है, ठीक है, टी भी है हमारा, ए भी है और आई भी है, ये देखिए आर भी है। तो इससे स्टायर जो हमारा वर्ड है ये बन जाएगा। स्टोरी को देख लेते हैं दोबारा, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, ठीक है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, टी भी है, टी भी है, ओ भी है, ओ भी है, आर भी है, एक आर भी है इसमें, और वाई भी है, वाई भी है, ये भी बन जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये हमारा नहीं होगा। डी कैसे होगा, इसमें क्या दिया है, जो इसमें टी देखिए इसमें तीन बार दिया गया है, और इसमें टी कितनी बार है, इसमें एक बार टी है और इसमें एक बार टी है, तो इसमें टी केवल दो ही बार है, तो ये वर्ड हमारा जो है ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जो कि हमारा घड़ी से है। घड़ी में अगर यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 है तो आपको सही समय बताना है क्या हो जाएगा। आपसे कहा है किसी घड़ी में अगर, क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी के दर्पण, दर्पण मान लीजिए साइड है, 3:15 में दिखा रहा है, तो आपको बताना है कि रियल टाइम क्या हो रहा है, जो वास्तविक समय है। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, जो हमारा 3:15 है इसको हम लोग क्या करते हैं, 11:60 से इसको घटा लेते हैं, 3:15 को इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो 60 में से 15 जाएगा तो 45 हो जाएगा, और 11 में से जब 3 जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा। तो 8:45 का इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया है, डायरेक्शन से है, डायरेक्शन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। मुकेश पश्चिम की दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। तो इसमें जब क्वेश्चन कहे, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि खुद अपने आप को मानिए। तो आप एक चार डायरेक्शन मान लीजिए, ठीक है, चार डायरेक्शन आपको पता ही होगा, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुकेश जो है पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, मान लीजिए पश्चिम है, 20 मीटर चला है, ठीक है। उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे जब खड़े हो जाएंगे तो हमारा दाएं ये हो जाएगा और बाएं हमारा इधर हो जाएगा। तुमको दाएं चलना है और 30 मीटर चलना है, तो मान लीजिए 30 मीटर हम लोग यहाँ चले, 30 मीटर हम लोग यहाँ चले हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग इधर खड़े हो जाएंगे तो हमारा दाएं ये हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको दाएं चलना है 20 मीटर, फिर कह रहा है दाएं हमको 20 मीटर चलना है। तो दाएं जब हम 20 मीटर चले यहाँ पहुँच गए हैं, उसके बाद कह रहा है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो प्रारंभिक हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया था, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ से ये भी डिस्टेंस हमारी 30 मीटर है, तो ये भी हमारी 30 मीटर हो जाएगी सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। एक प्रश्न है जो मैथ से था, क्या क्वेश्चन था, राम की आय श्याम से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने % कम है। देखिए इसको दो प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है x/100 + x × 100%, ये होता है। तो इसमें क्या करें, x के सामने 25 रखेंगे, 25/100 + 25 125 हो जाएगा, और गुड़े 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 × 100 ये 25 × 5 हो जाएगा, 5 से जब 100 काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20% का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले मैसेज से देख लेते हम लोग, ये कह रहा है राम और श्याम से 25%, एक तरफ राम लिख सकते हैं एक तरफ श्याम लिख सकते हैं। राम क्या है, श्याम से 25% अधिक है, मान लीजिए श्याम क्या है 100 रुपये है, तो राम क्या है 125 हो जाएगी। ये देखें जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5:4 में आ जाएगा, जिसको काटेंगे तो 5:4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, श्याम की आय राम से कितने % कम है आपको बताना है। तो जब कम है किसकी आय, श्याम की आय कम है, और किससे कहा गया ये देखिए, जिससे कहा जाए उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, राम को कहा गया है तो राम को हम लोग नीचे लिख दिए। और कितना कम है, 5 में से जब 1, इसका अंतर कितना है 1 है, तो 1/5 कूड़े 100 कर देंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो हमारा 20% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये थे हमारे कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।